नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं विष्णु पाटीदार। दोस्तों, आज की जो आवकों की स्थिति है शाम को मंडी गेट की जो हमें देखने को मिल रही है, यह जानकारी और अवकाश की जो रिपोर्ट है वो आपको मैं एक बार और प्रदान कर देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद में कोई अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 वजह बनती हुई हमें देखने को मिल रही है आज की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आज गेट पर कुछ वाहन भी हमें कम देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों इसके कुछ कारण है आने वाले अवकाश को देखते हुए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आने वाले कुछ दिनों में 6 से 8 में कुछ हल्की फुल्की बारिश का अनुमान भी लगाया गया है, तो उसको देखते हुए या जो आज सुबह में भी हमें देखने को मिल रहा था, तो उसी को देखते हुए आज वाहनों की जो कतार है वो भी थोड़ी कमी देखने को मिल रहा है। मंडी के गेट पर वाहन भी कम है। तो दोस्तों, पूरी रिपोर्ट और पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करूंगा दोस्तों, ताकि आपको अनावश्यक परेशानी का सामना ना करना पड़े और पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर देखने को मिल जाए। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी किसान भाई जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अवकाशीय सूचना की। दोस्तों, यानी कि सोमवार को मंडी लास्ट चलेगी, उसके बाद में मंगलवार बुधवार यानी कि 7 मार्च और 8 मार्च को मंडी का अवकाश रहेगा। उसके बाद में आज जो मंडी के अंदर नीलामी कार्य अभी चल रहा है, तो उसकी स्थिति में काफी फास्ट गति से नीलामी कार्य चल रहा है दोस्तों मंडी के अंदर। और जितना भी लहसुन मंडी के अंदर आज की स्थिति में है और जो आया हुआ है जो मंडी में नीलामी के लिए, वो सारा लहसुन नीलामी कार्य हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफी फास्ट गति से नीलामी कार्य मंडी के अंदर चल रहा है, जो की स्थिति में अभी देखकर आया हूँ। कुछ लोड भी मैंने आपको क्वालिटी अनुसार वीडियो के माध्यम से बताया ऊटी जीटू और देसी लहसुन की। तो दोस्तों, उस अनुसार अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊँ तो जो भी लहसुन आज मंडी के अंदर है, क्योंकि आगामी अवकाश को देखते हुए सारा नीलामी कार्य पूरा हो जाएगा जिस प्रकार से अभी नीलामी कार्य चल रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ रिपोर्ट हमें निकल कर आई है। अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, 7-8 को मंडी का अवकाश है, यानी कि 6 मार्च 2023 को जो मंडी चलेगी उसमें कुछ हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। कुछ सूचनाएं मिल रही है कि बारिश हो सकती है, बाकी ऐसा कोई अनुमानित नहीं है। मैं आपको जो रिपोर्ट है वो आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ, बाकी अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा। मंडी के गेट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों 8 गेट पर कुछ ज्यादा वाहन नहीं है, 13 से 15 वाहन हमें मंडी के गेट पर आज देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पाएंगे मेरे पीछे की स्थिति, इस प्रकार के ही वाहन आज मंडी के पीछे वाले गेट पर हमें देखने को मिले। इसके 2 कारण है, अवकाश की भी आ रहा है मंडी के अंदर, बीच में एक ही दिन मंडी चल रही है, और जिस प्रकार से आज बारिश जैसा मौसम भी हमें देखने को मिला था, आगामी कुछ दिन में भी हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है, तो जिसको देखते हुए अब की आज थोड़ी कम देखने को मिली मंडी के गेट पर। बाकी दोस्तों, अपना निर्णय आप खुद लीजिएगा। मैं आपको जो रिपोर्ट है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा एंडिंग में जाते जाते कि अगर मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बता देते हैं आज की तेजी मंदी दोपहर बाद की स्थिति में, तो बाजार में कोई विशेष तेजी मंदी दोपहर बाद में भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। बाजार सामान्य देखने को मिला, जिस प्रकार की लेवाली सुबह में देखने को मिली थी वही लेवाली दोपहर बाद में भी है। कुछ क्वालिटी अनुसार स्थिति मैंने आपको ऊटी देसी और जीटू के बताई है। देखने को मिलेगा नमी वाला माल इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। साइज आप देखेंगे, ये साइज क्वालिटी है लेकिन थोड़ा नमी है माल के अंदर, जो हरे डंटल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये साइज इसके अंदर जो थोड़ी नमी वाली हमें देखने को मिल रही है, इस प्रकार का माल देखेंगे आप, पूरी तरह से सूखा नहीं है दोस्तों, जो की मैं आपको बता रहा हूँ ये साइज क्वालिटी है। और दोस्तों, थोड़ी फिनिशिंग की कमजोरी और आज साइज तो गजब की देखने को मिली है माल के अंदर। 6853 रुपए प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है, जो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, इस प्रकार का माल है पूरा। ये भैया कहाँ से दादा? बदवासा। क्या भाव बिका? 6853। 6853, क्या नाम है दादा? हरिओम पाटीदार, बदवासा। हरिओम जी पाटीदार। ये साइज क्वालिटी दोस्तों जीटू लहसुन का, इस प्रकार का साइज का माल जो आपको देखने को मिलेगा, सूखा माल है पूरा, टंच सूखा हुआ, क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये साइज माल जीटू लहसुन, ये बिका है 6411 रुपए प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है। और ये भैया है कहाँ से हो दादा आप? बड़ावदा। क्या भाव बिका है? 6411 रुपए प्रति क्विंटल ऊँटी के नमी वाला माल आज मंडी के अंदर बिका है। 4400 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली ऊँटी की क्वालिटी दोस्तों आपको बता रहा हूँ, कुछ नमी इसके अंदर ज्यादा देखने को मिली है। और साइज की अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो ये साइज सबसे बड़ी यानी कि लड्डू माल की साइज हमें देखने को मिल रहा है, ये साइज क्वालिटी। और थोड़ा छोटा माल भी है इसके अंदर, जो कि आपको बता देता हूँ, छरी टाइप में भी है और मीडियम भी। और ये लोटे पूरा जो कि 4400 रुपए प्रति क्विंटल बिका है।
इसकी एक और क्वालिटी जो आपको देखने को मिलेगा 4913 रुपए प्रति क्विंटल ऊँटी का लोट आज मंडी के अंदर बिका है। जो साइज क्वालिटी देखेंगे आपको इसके अंदर मिक्स माल है दोस्तों, हर प्रकार की साइज का माल देखने को मिल रहा है। 4913 रुपए प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है, 4913 रुपए प्रति क्विंटल और यह पूरा लोट है दोस्तों। आज की ये जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, माल थोड़ा नमी वाले हैं और साइज हर प्रकार की इसके अंदर। अगर लड्डू माल की अगर बात करो दोस्तों, तो ये इस प्रकार का ऊँटी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये आज मंडी के अंदर बिका है दोस्तों 5641 रुपए प्रति क्विंटल। कुछ छोटा माल भी है जो कि इस प्रकार की साइज का जो आपको देखने को मिलेगा, ये छोटी साइजेस क्वालिटी है और आज बिका है मंडी के अंदर 5641 रुपए प्रति क्विंटल। ये भैया है, कहाँ से होता था आप? माऊखेड़ी से। क्या भाव बिका है भैया? 5641। क्या नाम है आपका? भगवतीलाल धाकड़। भगवतीलाल जी धाकड़, माऊखेड़ी। दोस्तों देसी लहसुन की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, 4331 रुपए प्रति क्विंटल देसी का ये लोट आज मंडी के अंदर बिका है। 4331 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली आज की देसी लहसुन की क्वालिटी जो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा लोट है दोस्तों देसी लहसुन का। और ये भैया है, कहाँ से हो भैया? क्या भाव बिका है? 4361। ऊँटी की ये जो क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गीला माल देखने को मिल रहा है, सूखा नहीं है, साइज छोटी मोटी हर प्रकार की आज मंडी के अंदर 3580 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। 3580 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली आज की ये जो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा लोट है दोस्तों। और ये भैया कहाँ से होता था? क्या भाव बिका है? 3580। बता रहा हूँ छड़ी मीडियम साइज की क्वालिटी है, सूखा माल है जो आज मंडी के अंदर बिका है। नई देशी 2020 रुपए प्रति क्विंटल बिका है। छड़ी माल इसके अंदर कुछ ज्यादा भी हमें देखने को मिल रहा है, तो मीडियम साइज माल भी है। और ये पूरा लोट देशी लहसुन का जो आज मंडी के अंदर बिका है दोस्तों 2020 रुपए प्रति क्विंटल। कटर से भैया कई भाभी की 2020। दोस्तों आज की एक और क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, 2153 रुपए नई देशी लहसुन का एक और लोट आज मंडी के अंदर बिका है। 2153 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली नई देशी लहसुन की क्वालिटी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा लोट है। और ये भैया कहाँ से दादा? क्या भाव बिका है? 2153। एक और क्वालिटी दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा, 2491 रुपए प्रति क्विंटल नई देशी का एक और लोट आज मंडी के अंदर बिका है। साइज दोस्तों इसके अंदर मीडियम माल काफी ज्यादा है, बल्कि छोटा माल की अगर बात करूँ तो जो इस प्रकार का जो हमें देखने को मिल रहा है ये ज्यादातर है दोस्तों इसके अंदर। बाकी बड़ी साइज का अगर माल बताऊँ आपको तो जो ये इस प्रकार का देखने को मिला है ये नाम मात्र वाला है। पूरा लोट 2481 रुपए प्रति क्विंटल आज मंडी के अंदर बिका है।